Hi guys, my name is Amir. Welcome back to the new video of the channel called Physics for Backbenchers. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस. जब भी दो सर्फेस स्लाइड करने की कोशिश करता है एक के ऊपर दो, तो वो रिलेटिव मोशन का काम क्या होता है कि वो दोनों को हिलने ना दे. राइट. जैसे एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी आएगा और जब ये स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन का काम है कि इसके बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है ना उसको खत्म किया जाए. तो खत्म दो कंडीशन में हो सकती है, जब पहला बॉडी आगे स्लाइड करने की कोशिश करे और नीचे वाला बॉडी इसको आगे बढ़ने ही ना दे, तो रिलेटिव मोशन जीरो. रिलेटिव मोशन मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का चलना. दूसरा क्या है कि जब फर्स्ट बॉडी आगे बढ़ने की कोशिश करे, फर्स्ट बॉडी आगे बढ़ने की कोशिश करे और दूसरा बॉडी साथ चल दे, साथ चलेगा तो साथ चलने चल तो देगा, लेकिन इसके बीच में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई रिलेटिव मोशन होगा नहीं. फ्रिक्शन यही चाहता है. फ्रिक्शन चाहता है कि रिलेटिव मोशन को पूरी तरह खत्म किया जाए. जब आप वॉक करते हो तो आप जमीन को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हो, तो फ्रिक्शन क्या चाहता है कि आपके पैर को पीछे स्लाइड ना होने दे जमीन के रिस्पेक्ट में, तो रिलेटिव मोशन खत्म कर देता है तो आप इजिली वॉक कर जाते हो. तो ये हेल्पफुल है, पर फ्रिक्शन का काम क्या होता है वहाँ पे कि रिलेटिव मोशन को खत्म किया जाए. यही कोई स्मूदी सरफेस होता है, आप पैर रखते हो पीछे ढकेलते हो आपका पैर पीछे चला जाता है. इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे आपने फ्रिक्शन को खत्म कर दिया तो रिलेटिव मोशन को स्टॉप कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, तो आप फिसल जाएंगे. राइट. तो फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ फोर्स विच अपोजिस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस. राइट. विच अपोजिस द रिलेटिव, नॉट मोशन सर, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस. राइट. सो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक या डायनामिक या फिर स्लाइडिंग. राइट. दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, या तो स्टैटिक फ्रिक्शन या तो काइनेटिक डायनेमिक स्लाइडिंग, ये अलग अलग नाम है. जब इस चीज को समझते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन को समझते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन को मान लो आपने ग्राउंड के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखा, मास m, ठीक. ये काफी हॉरिजॉन्टल सरफेस है और रफ है ठीक. Because of rough surface, अगर मैं कोई फोर्स यहाँ पे अप्लाई करता हूँ बॉडी को चलाने के लिए, तो चलेगा नहीं तुरंत, ठीक. आप एक पलंग, जो हमारे घरों में पलंग होती है, बेड होती है, एक 5 years के बच्चे को बोलो कि बच्चा बेड को इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में शिफ्ट कर दो, बच्चा जाएगा, ताकत लगाएगा, हिलेगा ही, तो उसका फोर्स कहाँ गया? फोर्स कहाँ गया? मतलब मैं इस फोर्स से लगाव के खींच रहा हूं और अगर ये बॉडी ना चले तो मेरा फोर्स गया कहां? इसका मतलब कोई ना कोई इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो कोई ना कोई फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा. तो जो फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है वही तो है फ्रिक्शन. कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन कब बोलेंगे? जब आप बॉडी को स्लाइड करने की कोशिश करें और आपका बॉडी स्लाइड हो ना रहा हो बट स्लाइडिंग टेंडेंसी उसमें आ जाए, वैसे फ्रिक्शन को बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन. तो जब मैं एफ फोर्स लगा के बॉडी को चलाने की कोशिश कर रहा हूं और ये बॉडी चल नहीं रहा है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा जो इसको बैलेंस कर रहा है, तो ये जो फ्रिक्शन है इसको बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन. राइट. अब स्टैटिक फ्रिक्शन मान लो इसको और बढ़ाते जाए एक कंडीशन ऐसा आएगा जब ये बॉडी अबाउट टू स्लाइड हो जाएगा, तो उस समय जो ऑपोजिशन पीछे साइड हो रही है वो मैक्सिमम है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा फोर्स अगर मैं लगा देता हूं अप्लाइड तो बॉडी स्लाइड कर जाएगी. इसका मतलब ऑपोजिशन का मैक्सिमम जो है स्टैटिक वो तब होगी जब बॉडी अबाउट टू स्लाइड होगा, उस कंडीशन में जो स्टैटिक फ्रिक्शन को बोला जाता है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं.
राइट ना, दैट इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो एक्चुअली में लग नहीं रहा होता, पर उतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा बॉडी को चलाने के लिए। जैसे कोई शॉप पे आप जाओ, प्राइस टैग लगा होता है, मान लो 20,000 का लगा हुआ किसी कपड़े के ऊपर, तो एक्चुअली में वो एग्जिस्ट थोड़ी कर रहा, वो उतना पे करने के बाद रिलीज होगा। मतलब आपको कितना तक पे करना पड़ेगा उस क्लॉथ को वहां से मूव कराने के लिए? 20,000 rupees एग्जैक्टली। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो एक्चुअली में लग नहीं हो रहा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो रफनेस का कंडीशन। जब तक आप उतना नहीं लगाओगे तो बॉडी स्लाइड नहीं होगा। तो कितना होता है वो रफनेस और लिमिटिंग फ्रिक्शन वो देखते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है एक्चुअली में, लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, और रफनेस को डिनोट कर रहे हैं हम, रफनेस जो सरफेस की रफनेस है उसको मैं म्यू से डिनोट कर, ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। तो अप्लाइड फोर्स यहाँ पे मान लो आपने कुछ लगा दिया, तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो म्यू टाइम्स नॉर्मल होएगा, और ये जो म्यू होगा वो म्यू स्टैटिक होगा, राइट, कि स्टैटिक कंडीशन में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है रफनेस है उसकी बात कर रहे हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू इंटू नॉर्मल। क्या यही फ्रिक्शन होता है? नहीं, फ्रिक्शन क्या होगा उसको देखते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं चीजों को। मान लो हमने एक ब्लॉक लिया और ब्लॉक का मास है 5 kg और उस पर अप्लाई किया हमने 5 newton का फोर्स, इसका रफनेस ले लेते हैं 0.2। अब मेरे को जानना है लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला अभी अभी हमने निकाला हुआ है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू टाइम्स नॉर्मल, राइट। तो म्यू की वैल्यू 0.2, नॉर्मल की वैल्यू mg व्हिच इज 5g, मैं 10 ले रहा हूं, इसको अगर मैं कैंसिल करूं, एक जीरो से पॉइंट कैंसिल आ रहा है 10 newton। मतलब आप बॉडी को स्लाइड कराना चाहते हो तो मिनिमम वैल्यू जो आपको लगानी पड़ेगी वो है 10 newton। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका अप्लाइड फोर्स कितना है? आपका अप्लाइड फोर्स है 5 newton। इसका मतलब बॉडी तो स्लाइड नहीं करेगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अभी 10 newton। अभी बात करो फ्रिक्शन कितना होगा। लेट्स अज्यूम यहां पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, जीरो फोर्स, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो यही रहेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो कंडीशन है कि आप उतना नहीं लगाते तो ये आप ब्रेक, ये बॉन्ड जो वहां बना हुआ उसको ब्रेक नहीं कर सकते, रफनेस को ओवरकम नहीं कर सकते। लेकिन लेट्स अज्यूम यहाँ पे कुछ फोर्स नहीं लगाया, अगर कुछ फोर्स नहीं लगाया तो इस बॉडी की टेंडेंसी किधर है जाने की? लेफ्ट या राइट, कहीं नहीं जाने की है। उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा जीरो होगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी ही नहीं है। अगर मैं इसको 1 newton लगाऊंगा तो 1 newton ही पीछे लग रहा होगा, तभी तो ये बैलेंस है, समझ रहे बात को? इसका मतलब फ्रिक्शन जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। अभी मैं 5 newton लगा रहा हूं तो पीछे भी कितना लग रहा होगा? फ्रिक्शन 5 newton लग रहा होगा, तभी ये बैलेंस है। मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 5 newton और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 10 newton। तो यहां से एक नोट निकल के आया, क्या नोट लिख सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल प्रोवाइड नेक्स्ट कंटेंट ऑन व्हाटएवर रिक्वायर्ड। थैंक यू।